त्योहारी सीजन में शहर के बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन कितने ही रूट मैप के दावे कर ले, लेकिन जमीनी सच्चाई किसी से नहीं छुपी। सही तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था ना होने के चलते कई दिन भर जाम लगा रहता है। दोपहर होते ही सभी पार्किंग फुल हो जाती हैं। ऑटो और कार बिना रोक टोक के शहर में प्रवेश कर रहे हैं। रोहतक जिले के पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र के अनुसार जिले में कानून व्यवस्था बनाने के लिए वो त्योहारी सीजन को देखते हुए बाजारों में यातायात व सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए रूट प्लान तैयार किया गया। शहर में अम्बेडकर चौक से वाल्मीकि तक रूट डाइवर्ट किया गया। कई जगह नाकेबंदी भी की गई। जाम की स्थिति ना बने और यातायात व्यवस्था ठीक बनी रहे, लोग जाम में ना फंसे, इसलिए शहर में नाकाबंदी करके रूट डाइवर्ट किए गए हैं। लेकिन डाइवर्टेड रूट को कौन लागू कर रहा है, ये सब जानते हैं। डीएसपी ट्रैफिक डॉक्टर रविंद्र के अनुसार 3 जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। थाना शहर रोहतक, थाना पुरानी सब्जी मंडी व थाना आर्य नगर की राइडर पीसीआर ईआरवी को भी बाजार व भीड़भाड़ वाले एरिया में गश्त करने के आदेश दिए हैं। नाकाबंदी व रूट डायवर्जन प्वाइंट इस प्रकार से हैं: झज्जर रोड टी प्वाइंट, कच्चाबेरी रोड रोहतक, शांतमयी चौक, गोहाना अड्डा, छोटूराम चौक। वही रूट डायवर्जन मैप इस प्रकार से है: रेलवे स्टेशन व झज्जर रोड की तरफ से आने वाले सभी वाहन गोहाना अड्डा रोहतक की तरफ जाएंगे। जिन वाहनों को छोटूराम चौक की तरफ जाना है वो भी गोहाना अड्डा होते हुए छोटूराम चौक जाएंगे। गोहाना अड्डा व गोहाना की तरफ से आने वाले वाहन छोटूराम चौक होते हुए शांतमयी चौक व झज्जर रोड की तरफ जाएंगे। पार्किंग की बात की जाए तो शांतमयी व शौरी मार्केट में जाने वाले लोग वाहन दुर्गा भवन मंदिर की पार्किंग में खड़ी करेंगे। पार्किंग फुल होने के बाद एलिवेटेड रोड से होते हुए पुराने बस अड्डे में पार्किंग करेंगे, लेकिन सिचुएशन जियो की त्यो है। दोपहर होते ही सभी पार्किंग पूर्ण रूप से भर जाती है। एलिवेटेड रोड पर स्थित महाराजा अग्र सिंह पार्किंग में वाहन खड़े करने की व्यवस्था है। पार्किंग फुल होने के बाद वाहनों को पुराने बस अड्डे की खाली जगह पर पार्क किया जाएगा। रोहतक पुलिस द्वारा पार्किंग स्थलों पर अलग से पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिएगा, त्योहारी सीजन को देखते हुए सिटी एरिया में हमने रूट प्लान और कुछ नाकेबंदी की है, जो कि बेसिकली हमने 5 नाके लगाए गए हैं पूरे रोहतक में, जिसमें शांतमयी चौक, छोटूराम चौक और गोहाना अड्डा और कच्चाबेरी रोड और झज्जर टी पॉइंट, झज्जर नाका टी पॉइंट। बेसिकली इन पाँचों के पाँचों नाके पर हमने पुलिस फोर्स है वो डिप्लॉय की है, और बेसिकली 2 हमने डाइवर्जन पॉइंट बनाए हैं। जो भी झज्जर रोड की तरफ से रेलवे रोड की तरफ से आने वाला व्हीकल है वो गोहाना अड्डे की तरफ निकलेगा, इसको वन वे बनाया है। उसी तरह गोहाना रोड की तरफ से आने वाला जो भी व्हीकल है वो कनाल गेस्ट हाउस से होते हुए, हमारे छोटूराम चौक से होते हुए शांतमयी चौक की तरफ आएगा, वो भी वन वे है। तो इन्हीं 5ों पॉइंटों पर हमने नाकेबंदी करते हुए हमें 2 रोड हमने डाइवर्ट किए हैं। उसके साथ साथ अगर पार्किंग स्थल की बात करूं, हमने 2 पार्किंग को ईयर मार्क किया है, जिसमें एक तो दुर्गा भवन जो मंदिर की पार्किंग है उसमें शांतमयी चौक और सॉरी मार्केट के जितने भी व्हीकल हैं उनको वहां पे खड़ा करने के लिए व्यवस्था बनाई है। उसके साथ साथ महाराजा अग्रसेन की जो पार्किंग है जो एलिवेटेड रोड के ऊपर है, उसके फुल होने के बाद जितना भी व्हीकल है वो सभी एलिवेटेड रोड के थ्रू हमारे सिटी पुलिस स्टेशन के सामने जो पार्किंग स्थल बनाया गया है वहाँ पर पार्किंग होगी। उसके साथ साथ इस पूरे स्ट्रेच में जो कि सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पे हमने पैदल गश्त अलग से लगाई है। उसके साथ साथ पीसीआर राइडर और एसएचओ मोबाइल भी मौके पे रहेंगी। किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो इसके लिए हमने जो हमारे पैदल जो गश्त लगाई गई है उसको दिशा निर्देश दिए हैं। और उसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से सभी रोहतकवासियों को रिक्वेस्ट भी करूँगा कि किसी भी तरह की स्नैचिंग की या किसी भी तरह की कोई भी घटना अगर घटित होती है तो अपने नियर बाय सिटी पुलिस स्टेशन पे या ओल्ड सब्जी पुलिस स्टेशन पे या आर्य नगर पुलिस स्टेशन में आप सूचना दें और 112 पे कॉल के 112 पे कॉल करके मौके पे ईआरवी हमारी वो वहाँ पे मौके पहुँचेगी, उसको बुलाएं। किला रोड, रेलवे रोड मार्केट और सॉरी मार्केट को हमने नो ट्रैफिक जोन बनाया है। इसमें किसी भी तरह की ट्रैफिक की मूवमेंट, सिर्फ 2 व्हीलर है जो वहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं, 4 व्हीलर को किसी को भी अलाउ नहीं किया है। 4 व्हीलर में हमने बेसिकली जो स्कूल वैन है और जो एसेंशियल कमोडिटी की व्हीकल हैं जो कि डेली रूटीन के जो अपना सामान लेके आते हैं उन व्हीकलों को हमने अलाउ किया है। उसके अलावा जो भी कस्टमर का व्हीकल है हमने 4 व्हीलर वहाँ पे अलाउ नहीं किया है, ना ही किसी तरह का 3 व्हीलर अलाउ किया है। टोटली हमने ट्रैफिक फ्री जोन रखा है इस पूरे के पूरे भिवानी स्टैंड को, किला रोड मार्केट को और रेलवे रोड मार्केट को।
डीएसपी ट्रैफिक के मुताबिक कागजों में शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था की कोई कमी नहीं है, रूट प्लान सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है वो शहर की जनता को नजर आ रही है। कमेंट करके बताएं कि आखिर पुलिस प्रशासन द्वारा बनाया गया ये रूट मैप कितना कारगर है।